और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ऐ नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो इन पर वाके होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो ना उम्मीद और ना शुक्र हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हां, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान असखुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जेब जीनत के तालिब हों हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं, और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद और जो कुछ ये करते रहे सब जाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। जो अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहती हैं और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं, ये लोग जमीन में कहीं छुपकर अल्लाह को हरा नहीं सकते और न अल्लाह के सिवा कोई इनका हिमायती है। ऐ पैगंबर, इनको दुगना अजाब दिया जाएगा क्योंकि ये शिद्दत कुफ्र से तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे और न तुमको देख सकते थे। यही है जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे इनसे जाता रहा। बिलाशुबा ये लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिजी की, यही साहिब जन्नत हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता। भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैराव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूं और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो? और ऐ कौम,
मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और जर का मुतालबा तो नहीं करता, मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूं, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है, भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं न तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नजर से देखते हो, ये कहता हूं कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा, जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है, अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं। उन्होंने कहा कि नूह तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते, और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती, वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी उज़्ज़िमा हूं। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते, वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो, और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी, लहरें क्या थी गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हो गई और वो डूब कर रह गया, और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी, और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी नजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है, तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे दरखास्त ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान ना बनो। नूह ने कहा परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज की तुझसे दरखास्त करूं जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से बहरामंद करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुंचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी, तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है।
और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बोहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, मैं उनसे बेजार हूं। यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो, और मुझे मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूं। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है, वो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे, तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है, वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे, उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश व मुतकब्बिर का कहा माना, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और कयामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम आद पर फिटकार है जो हूद की कौम थी। और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सवाले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो, उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। सवाले ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और यह भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजजा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला, तो सवाले ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया, तो हमने सवाले को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे, उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था, उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, वो या कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर आए, तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, अहे मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे मियां भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है।
उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो लायक तारीफ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई, तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए, और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है? फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाई जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न किया करो, मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और जमीन में खराबी करते न फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और बड़े सीधे हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूं और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी हो, तो क्या मैं अपना फर्ज अदा न करूं? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं, और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाकई हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाकई हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं, पर अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा कि शोएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संसार कर देते, और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है, और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल का इहाता किए हुए है। और ऐ कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ, तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको तो अपनी रहमत से बचा लिया, और जो जालिम थे उनको चिंघाड़ने आदा पूछा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार है
जैसी समूद पर फिटकार थी, और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलील रोशन देकर भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चलते रहे, हालांकि फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो कयामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर उनको दोजख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम उनको मिला है बुरा है। ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं। इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज तहस नहस हो गई, और हमने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गरज जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए, और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ न दे सके। और तुम्हारा परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो उसकी पकड़ इसी तरह की होती है, बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली सख्त है। इन किस्सों में उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है। ये वो दिन होगा जिसमें सब इकट्ठे किए जाएंगे, और यही वो दिन होगा जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे, और हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखीर कर रहे हैं। जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे वो दोजख में डाल दिए जाएंगे, उसमें उनको चिल्लाना और धाड़ना होगा। जब तक आसमान और जमीन है वो उसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है। और जो नेक बख्त होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे, और जब तक आसमान और जमीन है हमेशा उसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ते नहीं होगी। तो ये लोग जो गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं उससे तुम शक में न पड़ना, ये उसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले से इनके बाप दादा परस्तिश करते आए हैं, और हम इनको इनका हिस्सा पूरा पूरा बगैर कुछ कम किए देने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और वो तो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हुए हैं। और तुम्हारा परवरदिगार उन सबको कयामत के दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा, बेशक जो अमल ये करते हैं वो उससे वाकिफ है। सो ऐ पैगंबर, जैसा तुमको हुक्म होता है उस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ तायब हुए हैं कायम रहो, और हद से तजावुज न करना, वो तुम्हारे सब अमाल को देख रहा है। और मुसलमानों, जो लोग जालिम हैं उनकी तरफ माइल न होना, नहीं तो तुम्हें भी दोजख की आग आ लिपटेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, फिर तुम्हें कोई मदद भी ना मिलेगी। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो, कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं, और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे होशमंद क्यों ना हुए जो मुल्क में खराबी करने से रोकते, हाँ ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से नजात बख्शी, और जो जालिम थे वो उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐशो आराम था, और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जबकि वहां के बाशिंदे नेकुकार हों अज़राए ज़ुल्म तबाह कर दे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता और वो बराबर इख्तिलाफ करते रहेंगे, मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम फरमाए, और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है, और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोजख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और ए नबी, और पैगंबरों के वो सब हालात जो हम तुमसे बयान करते हैं उनसे हम तुम्हारे दिल को जमाए रखते हैं, और इन हालात में तुम्हारे पास हक पहुंच गया, और ये मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है। और जो लोग ईमान नहीं लाए उनसे कह दो कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, हम अपनी जगह अमल किए जाते हैं, और नतीजे अमाल का तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और आसमानों और जमीन की छुपी चीजों का इल्म अल्लाह ही को है, और तमाम मामलात
उसी की तरफ रुजू किए जाएंगे, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो। और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ऐ पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा पर दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा खुली गलती पर हैं। यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम नेक लोगों में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना ही है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उन्हें उनके इस सुलूक से आगाह करोगे और उनको इस वही की कुछ खबर ना होगी। और ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को, गो हम सच ही कहते हैं, बावर नहीं करेंगे, और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सक्का भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया, यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, जहे किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया। और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था, और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दरहमों पर बेच डाला, और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि उसको इज्जत इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता किया, और नेकूकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियां तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्त किया और उन्होंने उसका कस्त किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते तो जो होता सो होता।
यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ इस बात का ख्याल न कर, और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगु जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की, और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी, और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए, और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, तो ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थीं, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर ये बचा रहा, और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इसे कहती हूं तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव टाल दिया। बेशक वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे, उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दें। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं। तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकुकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई है। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, मैंने उनका मजहब छोड़ दिया है, और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूं। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक बनाए, ये अल्लाह का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैदखाने के रफीको, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। जिन चीजों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन रखो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुकी है, और उन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर शैतान ने उसे उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया, और यूसुफ कई बरस कैदखाने ही में रहे। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि सात मोटी गायें हैं जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं, और सात खोशे सब्ज हैं और सात खुश्क। ए दरबारियों,
अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये ख्वाब तो परेशान ख्याली से हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। और वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर ला बताता हूं, मुझे कैद खाने जाने की इजाजत दीजिए। गरज वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, यूसुफ, ए बड़े सच्चे यूसुफ, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी को खोशों में ही रहने देना। फिर उसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो सबको खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मेह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। और ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। सो जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, बेशक मेरा परवरदिगार उनके फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि अल्लाह पाक है, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की बीवी ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है, असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की, और अल्लाह खयानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता।